ऑल राइट यो व्हाट्स अप यूट्यूब, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइज आज हम जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल जगह पे, एंड जगह पे पहुंचने के बाद आपको जगह की डिटेल्स बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे जगह के बारे में। उससे पहले आप जानिए हिस्ट्री। अभी मेरी बात सुनो, अभी सर जो अपने बोलते ना जा रहे देखने देलवाड़ा जैन मंदिर, जो वहाँ पर पहले जो बोलते ना जमीन थी वो जमीन थी ब्राह्मणों की। अच्छा, तो पहले क्या है गुजरात की, जैसे अभी राजधानी है गांधीनगर, पहले गुजरात की राजधानी थी पाटन, उनके राजा थे, राजा का नाम था भीमदेव, उनका एक मंत्री था जिसका नाम था विमलसा सेठ, उनके पास अपार धन था, बहुत सारा था, तो उनकी जैसे अपनी नहीं कुल की देवी बोलते हैं स्थानीय देवी, हाँ, उनकी स्थानीय देवी उनके सपने में आती है कि तुम माउंट आबू जाना, वहाँ पर महावीर स्वामी जी का मंदिर ढूंढना और उसके नीचे खुदाई करवाना, तो वहाँ पर तुमको बोलते हैं पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति निकलेगी। तो महावीर स्वामी जी कौन थे जैनों में, नहीं जो 24 तीर्थकार थे जिन्होंने जैनों को उपदेश भी दिए थे, वो थे महावीर स्वामी जी। जैसे इनमें आदिनाथ, पार्श्वनाथ, जगन्नाथ, नेमिनाथ, मेदिनाथ, बहुत सारे भगवान आते हैं, ठीक है, उसमें 24 तीर्थकार इनके महावीर स्वामी जी थे। तो जैसे वो विमलसा यहाँ पर आता है, विमलसा सेठ, वो भी यहाँ पर ढूंढते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता महावीर स्वामी जी का मंदिर। फिर वो ब्राह्मणों के पास जाते हैं, बोले महावीर स्वामी जी का मंदिर है, तो बोले हाँ है। तो जैसे उनको बोलते हैं, बोले महावीर स्वामी जी कहते हैं, बोले ये जो जमीन है ये तो बोले हमारी, हम तो बोले आपको देंगे नहीं, तो बोले जमीन की जो भी लागत है हम आपको देने को तैयार है, जमीन बोले मुझको दे दो। तो उस टाइम जो बोलते हैं 1031 में जमीन की जो कीमत देते हैं, उस टाइम होती है जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए, 4 करोड़ लगते हैं हाथियों की जो बोलते हैं लागत, मतलब मार्बल लाने में, और टोटल जो मंदिर बनाने में लगती है लागत वो लगती है 12 करोड़ 53 लाख। और उस टाइम बोलते हैं 1031 में जब वो मंदिर बनवाते हैं, उस टाइम जो मंदिर बनवाने में लागत, ईसापुर की बात कर रहे हो, हाँ ईसापुर था उस टाइम, तो इससे पहले 1600 में या 1035 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो 1031 में जो बोलते हैं मंदिर बनवाने में जो लागत लगती है वो लगती है 18 करोड़ 53 लाख। उस टाइम क्या है, कोई साधन तो थे नहीं, तो 1430 हाथी घोड़ों पे लाए थे मार्बल। अच्छा, उसके बाद क्या है अंदर जो बोलते हैं कारीगर लोग चीनी और हथौड़ी से जो नकाशी करते हैं, नकाशी करके जो बोलते हैं मार्बल में से पाउडर गिराता था, उसके तोल के भर उनको मिलते थे सोने के सिक्के, और नकाशी करके जो बोलते हैं मार्बल में से टुकड़े गिराता था उनको मिलते थे चांदी के सिक्के। उसी के बाद 200 साल बाद दो भाई थे जिनका नाम था वस्तुपाल तेजपाल, वो दोनों भाई बोलते हैं घर से धन लेकर अपनी औरतों के साथ यहाँ पर भाग कर आ गए थे। तो पहले चारों तरफ ये सारा जंगल ही था, तो यहाँ पर लुटेरे बहुत हुआ करते थे, और लुटेरे क्या करते धन तो ले लेते थे और साथ में मार और देते थे, तो उसमें क्या है वो डर गए, उन्होंने सोचा इस धन को कहीं छुपा देते, तो वो भी धन यहीं पर ही छुपाते हैं, और यहाँ पर भी क्या उनकी देवी की उनकी कृपा होती है, तो जो धन होता है ना वो रातों रात बहुत सारा बढ़ जाता है, तो अब तो खतरा और बढ़ जाता है उनके पास में। तो उसके बाद क्या है वो दोनों भाई सोचते हैं कि जैसे विमलसा सेठ ने मंदिर बनवाया हम भी अपना धर्म का मंदिर बनवा देते हैं। तो दोनों भाई मिलकर वस्तुपाल तेजपाल 1231 के अंदर 12 करोड़ 56 लाख की लागत लगवा के मंदिर बनवाते हैं। जैसे सर वो क्या मंदिर तो बनवाते हैं, जैसे अपने बोलते हैं भाई भाई की औरत को बोलते देवरानी जेठानी, जेठानी तो बोले तुम तुम्हारा मंदिर तो बनवा लो, मंदिर में हमारा भी कुछ बनवाओ। तो कलाकार को बोलते देवरानी जेठानी के आले बनाने का, आले समझते हो ना, तो जैसे बोलते हैं कलाकार देवरानी जेठानी के आले बनाते हैं, तो दोनों के एक जैसे बनते हैं, और 1000 साल पहले 1.25 लाख का खर्चा करके देवरानी जेठानी के आले बनते हैं। अब 1.25 लाख का जो खर्चा वो 13 से 14 बार होता है, तो एक दूसरे के तुड़वाते रहते बनवाते रहते, तुड़वाते रहते बनवाते रहते, तो जो बेचारा कलाकार होता है वो परेशान हो जाता है, इन दोनों का तो झगड़ा बंद ही नहीं हो रहा। तो गुजरात में नहीं वडनगर विसनगर वहां से तो कारीगर बुलवाते हैं, फिर उनको बोलते हैं आले बनाने का, तो जैसे बोलते ना आले बनाते तो आधा दिन उस आले में आधा दिन उस आले के, फिर क्या है उसमें समानता बताइए, जैसे घर में सबसे बड़ी कौन होती है जेठानी, उनकी रखते वो गर्दन ऊपर, देवरानी तो छोटी उसकी थोड़ी सी झुका देने नीचे, उसमें कारीगरी करके 25 हाथी घोड़े बनाते, उसमें कारीगरी करके 24 हाथी घोड़े बनाते। और अभी बोलते हैं घर घर में देवरानी जेठानी का झगड़ा चालू बंदी नहीं हुआ। फिर आपने ये भी सुना होगा पुराने टाइम में जो मुगल लोग नहीं आते थे वो धन के लालच में हिंदुओं के मंदिर तोड़ देते थे, इसलिए इस मंदिर को ऐसा बना कि मंदिर को बाहर से देखोगे ना तो आपका अंदर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, और जैसे ही आप अंदर चलेगे तो आपका बाहर आने का मन नहीं करेगा, इसमें ऐसा है। फिर उसके बाद तीसरा जो मंदिर है वो बनवाया था भामाशाह ने, विमलसा के भाई थे भामाशाह, उनको मंदिर बनवाने थे 4, 2 मंदिर उन्होंने बनवा दिए, तीसरा मंदिर जैसे बनवाने का तुमको पता पड़ा कि यहाँ पर महाराणा प्रताप का युद्ध हो गया अकबर से, और महाराणा प्रताप युद्ध अकबर से हार गए, तो जो भी धन खजाना था वो सारा उन्होंने महाराणा प्रताप की सेना में लगा दिया, तो टाइम से वो मंदिर अधूरा ही पड़ा हुआ अंदर, इसमें ऐसा है। उसके बाद लास्ट में जो मंदिर है वो है कारीगरों का, कारीगर जब मंदिर बोलते कारीगरी करते थे तो उनको 2 घंटे का टाइम मिलता था, 1 घंटा मिलता था खाना खाने का, 1 घंटा मिलता था आराम करने का, तो क्या करते थे आधे घंटे खाते थे खाना और आधा घंटा करते थे आराम, 1 घंटा जो बच जाता था और जो बचता था मार्बल वेस्टेज वो जोड़कर उनका मंदिर भी बनाते थे, लोग आप हमको भी याद करें तो यहाँ पर कारीगरों का मंदिर भी है, ठीक है। मोबाइल कैमरे यही छोड़ देना, अंदर ले जाना मना है, लेके तो 500 रुपये जुर्माना है, अलाउड ही नहीं है, अलाउड नहीं है, बस 9 करोड़ में जमा करा सकते हो। गाइज इससे पहले आपने मंदिर की हिस्ट्री सुनी, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है इसलिए मैं आपको सॉरी कुछ नहीं दिखा पाऊंगा। क्या हिस्ट्री और कैसा लगता है देखने में, आप लोग भी आइए और खुद देखिए। ये दादी रिस्ट्री इसके जो
और मंदिर बनवाना था उसको पड़ा रोड में, वो कारीगर नहीं थे 1350 कारीगर, 1500 मजदूरों ने मिलकर इस मंदिर को बनाया ऊपर वाले को टोटल, मतलब मंदिर के जो है तो जो कारीगर नहीं जो बसते थे मार्बल वेस्टेज और पत्थर, तो नीचे वाला फ्लोर विमल सा सेठ का, ऊपर वाला वस्तुपाल तेजपाल का, और तीसरा वाला फ्लोर ब्रह्मा सा, ये वेस्टेज उसका है। गाइस इसे दिलवाड़ा इसलिए बोलते क्योंकि ये दिल से बनाया गया मंदिर है, जैसा कि मैं गाइड ने बताया। आप लोग सोच रहे होंगे बाहर से तो ऐसे ही मंदिर है तो अंदर से कैसा होगा, जानबूझ के बाहर से ऐसा बनाया गया। गाइस मंदिर से बाहर आके दर्शन करके अब देखिए कितनी भीड़ है, आप देख सकते हो मेरे पीछे कितनी भीड़ है। बहुत ही फेमस मंदिर है गाइस, अंदर फोन अलाउड नहीं था वरना आपको पूरा व्यू दिखाते, बट कोई बात नहीं इसके बाद आपको दिखाते नेक्स्ट बहुत अच्छी जगह है। गाइस ऑसम जगह है, बहुत सुंदर है अंदर के फेस, आप लोग भी आकर विजिट कर सकते हैं। अफसोस है कि हम फोन अंदर ले जा नहीं सके, आपको दिखा नहीं सके, बट बाहर का व्यू आपको दिखा दूंगा, आप खुद आगे देखोगे तो अच्छा लगेगा, सच्ची में बहुत अच्छा लगेगा खुद आगे। गाइस यहाँ की ब्यूटीफुल मार्केट है सुंदर सी, यहाँ से आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं लाइक पर्स ड्रेसेस, राजस्थानी ड्रेसेस है बच्चों के लिए, बहुत सुंदर मार्केट है। गाइस आप फ्रेंड्स यहाँ पे भीड़ भी इतनी ज्यादा देख सकते हो आप, बहुत लोग आते हैं, और अभी आपको दिखाते हैं इधर स्कूल के बच्चे आए हुए हैं मुझे। गाइस यहाँ पे आइसक्रीम खाने के लिए रुक गए दोनों, तो मैं भी खा ही लेता हूँ, रुकते हैं यहाँ पे और खाते हैं आइसक्रीम। गाइस आज स्कूल के बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे, तो अपने टीचर्स के साथ ही आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं, देखिए आप कितनी भीड़ है। वैसे मंदिर के लिए बहुत भीड़ है क्योंकि मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर है। गाइस यहाँ की फेमस चाय है, तो अभी पी के देखते हैं कैसे और फिर आपको बताते हैं। गाइज मेरे हाथ में आ गया की फेमस चाय, एंड अभी से ट्राई करते हैं, गरम बहुत है। गाइज ये दोनों एंजॉय कर रही हैं की फेमस चाय, तो गाइज दीदी कह रही है यहाँ की चाय बहुत अमेजिंग है, टेस्टी है, तो रिव्यू अच्छा रहा, यहाँ पे आकर एंजॉय कर सकते हैं। गाइस दुकान का नाम है हीरा भाई की चाय, बाकी यहाँ से सामने मंदिर है। गाइस हमने ऑर्डर किया यहाँ से बड़ा पाव, देखते कैसा टेस्ट है उसका, बाकी चलते हैं आगे। गाइस हमने यहाँ से ऑर्डर किया है, हम आ गए शॉप के ऊपर ही, यहाँ पे बैठते हैं एंड एंजॉय करते अपना वड़ा पाव। गाइस अभी खींच रहे हम फोटो। गाइस अब आ गया हमारा वड़ा पाव, अब एंजॉय करते हैं।